दोस्तों, जब भी देश में कोई आतंकवादी घटना होती है तो पूरे देश को दुख होता है, क्योंकि हर एक आतंकवादी घटना देश और देशवासियों के दिल पर गहरी चोट पहुंचाती है। फिर चाहे वो ताज होटल पर अटैक हो, पुलवामा हो, या फिर कोई छोटी या बड़ी घटना हो, सरकार से लेकर आम आदमी तक यही चाहता है कि ऐसी घटनाएं न हो। और यहाँ पर ऐसे में काम शुरू होता है ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का, और हिंदी में कहें तो ये आतंकवाद विरोधी दस्ता होता है। आप में से बहुत से लोगों ने इसका नाम कई बार न्यूज में सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा ये लोग कौन होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनकी भर्ती कैसे होती है, ये लोग काम क्या करते हैं? अगर इनमें से एक भी सवाल आपके दिमाग में कभी भी आया है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद एक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समस्या बन चुका है। ये एक ऐसी वैश्विक समस्या है जिसने लगभग सभी देशों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, ये बात भी सही है कि बहुत सारे देशों के द्वारा आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आज भी दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए इनकी मदद करके आज भी उन्हें पाल रहे हैं। सच पूछो तो आतंकवाद का ना तो कोई देश है ना कोई धर्म है। आज बहुत से देशों में आतंकवाद अपनी पकड़ को बहुत मजबूत कर चुका है, और इसी आतंकवाद को रोकने के लिए भारत सरकार ने ATS का गठन किया है। आतंकवाद और आतंकवादियों के बहुत से उद्देश्य होते हैं, जैसे कि समाज में हिंसा और डर को फैलाना, मासूम लोगों की जान लेना आदि। इनके निशाने पर हर वक्त देश का आम नागरिक होता है। देशों की सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना ही आतंकवादियों का मेन टारगेट होता है, और ऐसी घटना को होने से पहले ही रोकने के लिए बनाया गया है ATS। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि ATS क्या होता है। ATS भारतीय पुलिस का एक दल होता है जो भारत के हर राज्य में मौजूद है। ATS का काम भारत देश के किसी भी हिस्से में काम करने वाली राष्ट्र विरोधी ताकतों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना और उन्हें केंद्रीय सूचना एजेंसीज जैसे IB, रॉ के साथ आदान प्रदान करना है। इसके साथ दूसरे राज्यों की एजेंसीज के साथ तालमेल बिठाना, माफिया और अन्य संगठित अपराध सिंडिकेट के गतिविधियों को रोकना, नकली नोटों के रैकेट का पता लगाना और नशीले पदार्थों की तस्करी आदि का पता लगाने का काम भी वर्तमान समय में ATS करता है। अब आप जान गए होंगे कि ATS क्या होता है। अब जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ATS की स्थापना साल 1990 में मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर आफताब अहमद खान यानी AA खान द्वारा की गई थी। आफताब अहमद खान ने लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट की स्पेशल सेल SWAT से प्रभावित होकर इस संगठन की शुरुआत की थी। ATS को गठित करने का मुख्य उद्देश्य मुंबई में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों को रोकना था, क्योंकि साल 1990 से पहले मुंबई अपराध और गैर कानूनी गतिविधियों का गढ़ माना जाता था, जिसके कारण राज्य में अवैध और गैर कानूनी कार्यों को समाप्त करने के लिए आतंकवाद निरोधी दस्ते की स्थापना की गई थी। हालांकि पूरे देश में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए आज के वक्त में ATS की शाखाएं देश के लगभग सभी राज्यों में है। ATS का रोल क्या है? अगर हम ATS के रोल्स की बात करें तो ये कई सारे होते हैं। सिक्योरिटी के पर्पस से ATS का मेन काम ऐसे संवेदनशील स्थानों और व्यक्तियों की पहचान करना है जिनका उपयोग देश विरोधी तत्वों द्वारा छिपने या रहने के लिए किया जाता है। अगर उन्हें कोई भी ऐसा इंसान या जगह मिलती है जिस पर उन्हें शक होता है तो संदिग्ध लोगों को पकड़कर उनसे जानकारी प्राप्त करना तथा राज्य इकाइयों और केंद्रीय एजेंसियों आदि के साथ कोऑर्डिनेट करना होता है। इसी के साथ देश में किसी भी आतंकवादी समूह की उपस्थिति से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उचित कार्रवाई करना और उन्हें आश्रय देने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कानूनी कार्रवाई करने का काम भी ATS करती है। विदेशी खुफिया एजेंसियों से संपर्क रखने वाले संगठित आतंकवादी तत्वों की गतिविधियों के पूर्ण रूप से निगरानी बनाकर रखना और देश में होने वाले अनैतिक कार्यों या अपराधों जैसे कि विस्फोटक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा की तस्करी, हथियारों की तस्करी में संलिप्त लोगों, एजेंट्स और माफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करना भी ATS का ही काम होता है। ATS का मेन काम राज्य के सूचना विभाग के साथ लगातार संपर्क बनाए रखने के साथ ही प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निगरानी करना होता है।
एटीएस कमांडो कैसे बनते हैं। एटीएस में कभी भी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। एटीएस में शामिल होने के लिए सरकार हर साल पुलिस और पीएसी यानी प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी के जवानों से आवेदन मांगे जाते हैं। जो जवान इसमें शामिल होने के लिए आवेदन देते हैं वह पूरे साल लगातार तैयारी करते हैं। एटीएस की ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सीक्रेट होती है। ऐसे जवान जो एटीएस कमांडो बनना चाहते हैं उन्हें अपने कंपनी कमांडर से लिखित रूप में अनुमति लेनी पड़ती है। इसमें शामिल होने वाले जवानों की कैपेसिटी और क्वालिटी के आधार पर उनकी सूची तैयार कर एटीएस सेंटर भेजी जाती है। इस सूची में उनकी खूबियों और एफिशिएंसी के बारे में पूरी जानकारी शामिल होती है। इसके बाद जवानों को 3 प्रीलिमिनरी एग्जाम से गुजरना पड़ता है जिसमें फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी और टेक्निकल और जनरल नॉलेज टेस्ट किया जाता है। शुरुआत एग्जाम्स पास करने वाले जवानों को एटीएस के ट्रेनिंग सेंटर्स में शुरुआती ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और ये ट्रेनिंग अलग अलग सेंटर्स पे होती है। साथ ही सेंटर्स बदलते रहते हैं और कमांडो रोटेशन के तहत ट्रेनिंग लेते हैं। एटीएस की सैलरी कितनी होती है? अब जब एटीएस के बारे में इतनी सारी बात हो गई है तो फिर इनकी सैलरी के बारे में एक बात कर ही लेते हैं। एटीएस में ऑफिसर रैंक के अधिकारी को प्रति माह वेतन लगभग 1,10,000 रुपए से लेकर 1,35,000 रुपए मिलते हैं, जबकि इसमें शामिल होने वाले जवानों की सैलरी 78,000 से लेकर 96,000 रुपए तक होती है। इसके साथ ही इनके अलग भत्ते भी दिए जाते हैं। एटीएस के बड़े ऑपरेशन। एटीएस ने कई बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया है जिसमें 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुआ आतंकी हमला शामिल है। मुंबई के 5-स्टार होटल ताज और ओबेरॉय ट्रिडेंट में कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद एटीएस ऑफिसर्स ने मोर्चा संभाला और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि इस हमले में काफी जानमाल का नुकसान हुआ था जिसमें 146 लोग मारे गए थे, वहीं 327 लोग घायल हुए। इस मुठभेड़ में एटीएस चीफ हेमंत करकरे, एडिशनल कमिश्नर अशोक कामटे और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर सहित 14 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा एटीएस का 1991 में लोखंडवाला शूटआउट काफी चर्चित रहा जिसमें माया और बुआ समेत 7 गैंगस्टर को मार गिराया गया था। आतंकियों की कमर तोड़ने का नया प्लान। बदलते दौर के साथ अब आतंकवादी भी बदल रहे हैं और अब इनका मुकाबला करने के लिए एटीएस भी बदल रही है। इसलिए अब आतंकवाद रोधी दस्ते और स्पेशल टास्क फोर्स अब नए प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सिस्टम तैयार किया जा रहा है जिसमें देश के किसी भी हिस्से में आतंकियों की छोटी से छोटी सूचना सभी राज्यों के आतंकवाद रोधी दस्ते या स्पेशल टास्क फोर्स तक पहुंच जाएगी। कौन मददगार है, चाहे वो संभावित ही क्यों ना हो, उसका फोटो और फिंगरप्रिंट 1 मिनट में सभी के पास होगा। इससे जो भी राज खुलेंगे वो बिना किसी देरी के सभी एजेंसियों के साथ साझा किए जाएंगे। आतंकियों के मददगारों का पता चलते ही उनके ठिकानों पर NIA, ED और IT जैसी एजेंसियां रेड करेगी। उन लोगों के पास जो भी आर्थिक स्रोत हैं, उसका पता लगाया जाएगा। उसमें हवाला का क्या रोल है, शेल कंपनियां और दूसरे देशों में बैठे उनके आकाओं, इन सभी का पता लगाकर मददगारों की जड़ ही खत्म करने की योजना बन रही है। आपको क्या लगता है, AI की मदद ATS के लिए कितनी कारगर साबित होगी, या AI की वजह से क्या गाज कुछ मासूमों पर भी गिर सकती है? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।